जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी का एक भजन गाऊंगी, उसके बाद सत्संग शेयर करूंगी। तू मेरा जीवन आसरा, मेरे शहनशाह, मेरी आँखियाँ दे तारे। मैं ता बस हुन जी रहिया एक तेरे सहारे, मैं ता बस हुन जी रहिया एक तेरे सहारे। तू मेरा जीवन आसरा, मेरे शहनशाह, मेरी आँखियाँ दे तारे। मैं ता बस हुन जी रहिया एक तेरे सहारे। फड़ी है बाँह मेरी, छोड़ ना देना दाता, छोड़ ना देना। चरना दे कोल लाके, छोड़ ना देना दाता, छोड़ ना देना। जदों दासा तेनू जाने आ, सुख माने आ, दुख घट गए सारे। मैं ता बस हुन जी रहिया एक तेरे सहारे, मैं ता बस हुन जी रहिया एक तेरे सहारे। जय गुरु जी। सोच रही हूँ गुरुजी ने सबसे ज़्यादा तो हमें ब्लेस किया है बाय ब्लेसिंग माय डॉग। सो इसको लास्ट ईयर हमें पता चला था, एग्जैक्टली वन ईयर बैक, कि इसको शी वॉज विथ माय पेरेंट्स एंड मैं उसको वीडियो कॉल पे देखती थी, तो मैं पूछती थी कि ये ऐसे क्यों चल रही है। सो दे नेवर नोटिस्ड कि ये लिंप कर रही थी। एंड मैंने बहुत बार बोला मम्मा पापा को कि डॉक्टर पे ले जाओ, पूछो क्या हुआ है। दे थॉट कि अभी कोई चोट लगी है, ठीक हो जाएगी। दे टुक हर टू द डॉक्टर आफ्टर सम टाइम व्हेन दे रियलाइज्ड कि ठीक ही नहीं हो रहा है। तो हमें पता ही नहीं चल रहा था रीज़न क्या है इसके लिंप करने का, और आज तक भी नहीं पता ये क्या रीज़न था कि ये लिंप कर रही थी। बिल्कुल नहीं चल पाती थी, सिर्फ तीन पैरों से चलती थी एंड बस कूदती रहती थी। तो ना बेड पे चढ़ पाती थी, इसको गोद में उठा के चढ़ाना पड़ता था, और आज गुरुजी के दरबार में घूम रही है। तो मैं बोला, डॉक्टर ने बहुत ब्लड टेस्ट किए, एक्सरे किए, कुछ हमें पता नहीं चला कि क्या रीज़न क्या है इसके लिंप करने का। फिर मेरा मन था, बिकॉज शी इज़ माय डॉग, और मैं शादी के बाद यहाँ पे आ गई थी, मेरा मन था कि मैं इसको अपने पास यहाँ पे लेके आऊँ। फिर मैंने सोचा कि यहाँ पे लाके मैं डॉक्टर को दिखाऊँगी, यहाँ पे हो सकता है कि इतने थोड़ा अच्छे हॉस्पिटल में अगर लेके जाऊँ तो कुछ पता चलेगा। इधर भी इसके सारे एक्सरे हुए, अल्ट्रासाउंड, क्या क्या नहीं किया, कोई कोई थेरेपी की उन्होंने, लेज़र थेरेपी वगैरह, कुछ पता नहीं चल रहा था क्या हो रहा है, कुछ ठीक नहीं हो रहा था। इट यूज़ टू बी सो सैड कि एवरी वीक आई यूज़ टू टेक हर टू द डॉक्टर एंड देयर वाज एब्सोल्युटली नो इम्प्रूवमेंट एट ऑल। हमें पता था कि इसके ब्लैडर में दो स्टोन्स हैं, जिसका साइज़ भी ठीक नहीं है, मतलब इंक्रीज होता जा रहा है, एंड द डॉक्टर सेड कि उसकी सर्जरी करनी पड़ेगी। वी आस्क्ड द डॉक्टर कि इज़ दैट द रीज़न फॉर लिंपिंग, ही सेड नो। सो आई वॉज स्केर्ड बिकॉज डॉक्टर्स वर सेइंग कि ये लिंप जो कर रही है तो उसके लिए हम सर्जरी करके देखते हैं, बट वी डिडंट वॉन्ट टू जस्ट ट्राई एनीथिंग। क्यों सर्जरी करनी जब पता नहीं है वॉट द रीज़न इज़। फिर एक बार डॉक्टर ने बोला MRI कराना है। मैं गुरुजी के पास आती थी, मेरे को बस ये मेरी अरदास होती थी कि इसको ब्लेस करें गुरुजी, ये ठीक हो जाए। तो एक दिन रूपाली आंटी ने कहा कि तुम्हारी डॉग है, छोटी है। मैंने कहा हाँ जी।
कहते उसको लेके आया करो दरबार में. एंड दैट वाज द हैप्पीएस्ट डे ऑफ माय लाइफ बिकॉज आई कुड ब्रिंग हर टू सी गुरुजीज ब्लेसिंग्स. मैं यहाँ लेके आना मैंने शुरू किया, इसने यहाँ पे लंगर प्रसाद खाना शुरू किया. एंड इट वाज मिराकुलस कि मैंने इतनी मेडिसिन्स इसको इतने मंथ्स दी, 5-6 months दी, बिल्कुल इम्प्रूवमेंट नहीं था. जब मैंने बंद कर दिया हार के, आई सेड के कुछ तो हो नहीं रहा है, इसको कितनी मेडिसिन्स खिलाऊँ, इट इज़ नॉट ईजी फॉर मी ऑल्सो टू गिव सो मैनी मेडिसिन्स. मैंने बंद कर दी थी, 2 months आई स्टॉप्ड. फिर मैंने इसको यहाँ गुरुजी के दरबार में लाना शुरू किया, इसने प्रसाद खाया एंड मिराकुलसली इसका लिम्पिंग बिल्कुल ठीक हो गई. आई वेंट टू द डॉक्टर, ही वॉज सरप्राइज्ड. ही सेड कि ये लिम्प नहीं कर रही अब. मैंने कहा नहीं, मैंने कहा मैं इसके स्टोन का साइज टेस्ट कराना चाहती हूँ. ही डिड द अल्ट्रासाउंड एंड ही सेड दैट द साइज हैज़ ऑल्सो रिड्यूस्ड एंड इट कैन बी डिजॉल्व एंड वी डोंट नीड टू डू सर्जरी. सो आई डोंट नो गुरुजी ने कैसे इसको ब्लेस किया, बस किया है. और हम बहुत बहुत गुरुजी के लिए से थैंकफुल हैं कि उन्होंने ब्लेस किया. शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी. एंड अभी 2 weeks बैक हम लोग यहाँ पे एक डॉग कैफ़े है, वहाँ पे हम गए थे. क्रिसमस सेलिब्रेशन था तो वहाँ पे गए, सारे डॉग्स थे वहाँ, स्विमिंग कर रहे थे, देयर इज़ अ पूल. एंड इसको भी हमारा मन था लेके जाएं, पर हमें डर था कि ये स्विम करेगी कि नहीं. पहले से मेरा मन था, पहले इसका लेग ठीक नहीं था, तो आई डेंट वॉन्ट, यू नो, आई डेंट नो कि वेदर वी शुड पुट दैट काइंड ऑफ प्रेशर ऑन हर और नॉट. सो लास्ट 2 weeks बैक वी फेल्ट कि अभी तो पैर भी ठीक हो गया, लेके जाते हैं इसको, पानी में डाला. इतने अच्छे से स्विम करके आई, वी वर सो हैप्पी. ऐसे वी आर कॉलिंग हर लिटिल फिशी नाउ, क्योंकि इतने क्यूटली ऐसे स्विम करके आती है. गुरुजी ने कितना ठीक कर दिया, हम लोग इतने खुश हैं. जहाँ जाती हूँ मैं, ये हर जगह मेरे साथ जाती है. गुरुजी के दरबार में मुझे पता है कि मेरी एंट्री से पहले इसकी एंट्री होती है, ये पहले आती है दरवाज़ा खोल के अंदर. सो शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी.